हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त समीर आपके चैनल पर आपको स्वागत करता हूं। आज की जो वीडियो होगी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा स्पेशल होने वाली है, क्योंकि रिसेंटली विद इन अ मंथ्स आप एक और वैकेंसी लॉन्च होने वाली है जो कि काफ़ी अच्छे नंबर्स में आएगी। साथ साथ मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर पाएंगे। क्राइटेरिया की मैं बात करता हूँ तो बेसिक क्राइटेरिया इसमें रखे जाएंगे, क्योंकि लास्ट ईयर जब ये वैकेंसी आई थी तो काफ़ी बेसिक क्राइटेरिया इसमें रखे गए थे। वन ऑफ माई सीनियर इसमें ऑलरेडी एनरोल है और उसी के थ्रू बताया गया, क्योंकि MCD में जो हेडक्वार्टर है वहाँ पे वो वर्किंग है, राइट। सो उन्हीं के थ्रू मुझे बताया गया है कि विद इन अ मंथ वैकेंसी आने वाली है। सो अब बात करते हैं क्या क्या क्राइटेरियाज होंगे और किस में आपकी वैकेंसी आने वाली है, राइट, और हाइट का क्या क्या क्राइटेरिया होंगे। सबसे पहले डॉक्यूमेंटेशन की बात करते हैं। बेसिक डॉक्यूमेंटेशन की आपको रिक्वायरमेंट होगी आधार कार्ड, पैन कार्ड, राइट, बैंक अकाउंट की डिटेल, सी फॉर्म, ट्रेनिंग सर्टिफिकेट अगर आपके पास है सो वेल एंड गुड है, ऑल दो इसमें दोनों अप्लाई कर सकते हैं, ट्रेंड और अनट्रेंड दोनों। साथ ही साथ इसमें आपका एक मेडिकल सर्टिफिकेट भी लगता है, राइट, आपको डॉक्टर से रिटर्न में एक सर्टिफिकेट लाना होता है कि यू आर मेंटली और फिजिकली फिट, राइट। साथ ही साथ इसमें हाइट का क्राइटेरिया भी एड ऑन किया गया है। हाइट का क्राइटेरिया जो कि लास्ट ईयर था और प्रॉब्ली सेम इस ईयर भी होगा, मेल के लिए जो क्राइटेरिया होगा 165 सेंटीमीटर का क्राइटेरिया होगा, और फीमेल के लिए जो क्राइटेरिया होगा 150 to 154 के बिटवीन, मींस विन 150 to 154 सेंटीमीटर के बिटवीन ये क्राइटेरिया होगा हाइट का। साथ ही साथ इसमें कुछ अदर्स एक्टिविटीज़ भी आपकी चेक की जाती है, लाइक आपने कितनी निष्काम ड्यूटी की हुई है, राइट। साथ साथ कुछ रिसेंटली अवेयरनेस एक्टिविटीज़ कंडक्ट की गई थी, आपने उन्होंने पार्टिसिपेट किया था या नहीं किया था ये चेक की जाती है। कोविड टाइम में आपने कोविड की ड्यूटी की है या नहीं किया है ये भी डिटेल्स आपकी चेक की जाएगी। साथ ही साथ इसमें आपकी हेल्थ भी चेक की जाएगी, और हो सकता है फेस टू फेस भी जो इंटरव्यू वो कंडक्ट किया जाए। अगर फेस टू फेस इंटरव्यू कंडक्ट होता है सो कि जो कि उसमें बताया जा रहा है उसमें कुछ बेसिकली रूल्स मींस क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि आपसे होंगे, लाइक सिविल डिफेंस का प्रोटोकॉल एंड मोटो पूछा जाएगा। साथ ही साथ क्योंकि जो वैकेंसी है MCD में आ रही है सो MCD के जो मोटो है और जो उनके डायरेक्टरेट है हेड्स है, राइट, और उनके क्या क्या सर्विसेज वो प्रोवाइड करते हैं उससे रिलेटेड आपसे पूछा जाएगा। लाइक आप बेसिकली कह सकते हैं कि MCD की जो मोटो है, जो प्रोटोकॉल्स हैं, उनके जो सुपरवाइजर्स हैं, लाइक जो हेड ओनर, वो क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। और DCD से रिलेटेड उसका क्या मोटो है, कहाँ कहाँ पर सर्विस प्रोवाइड करता है, इसकी 12 सर्विसेज कौन सी है ये आपसे पूछा जाएगा, राइट। काफ़ी एक अच्छे नंबर में ये वैकेंसी आने वाली है, सो कोई भी आप इसे प्लीज़ मिस मत कीजिएगा, अपने सीनियर के थ्रू आप कोऑर्डिनेट कीजिएगा। साथ साथ जैसे ये वैकेंसी आ जाएगी सो मैं आपको खुद वीडियो बना के पर्टिकुलरली इन्फॉर्म कर दूंगा, ताकि आप टाइमली इसे सबमिट कर पाएँ, एप्लीकेशन को सबमिट कर पाएँ और आपका सिलेक्शन हो पाए, राइट। जो वीडियो होगी, जो ये वैकेंसी होगी, काफ़ी अच्छे अमाउंट में आ रही है, और साथ ही साथ आप कह सकते हैं पर्टिकुलरली टाइम ड्यूरेशन के लिए आपको एक डिपार्टमेंट प्रोवाइड किया जाता है। इसमें आपका जो पेरोल होगा वो MCD के थ्रू ही आपको दिया जाता है, जो कि हर मंथ टाइम टू टाइम इसका पेरोल आता है, राइट। सो सैलरी से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ना ही लोकेशन से रिलेटेड। लोकेशन इनिशियल स्टेज में वो अपने अकॉर्डिंगली देंगे, पर एक टाइम के बाद आप अपने अकॉर्डिंगली मीन्स जो आपका नियर बाय का एरिया उसमें भी आप अपनी लोकेशन चेंज करा सकते हैं या फिर पोस्टिंग ले सकते हैं बेसिकली, जिसमें आपको एक लोकेशन प्रोवाइड कर दी जाती है। इसमें बेसिकली आपका जो वर्क होता है सिर्फ यही होता है कि जो मार्केट में अनऑथराइज्ड जो शॉप ओपन होती है या फिर किसी कंप्लेंट आती है MC से रिलेटेड, सो उनके साथ आपको विजिट करना होता है, साथ साथ उनके साथ आपको कॉर्पोरेट करना होता है। सो बेसिकली ये आपकी ड्यूटी होती है, 8 आवर्स की ड्यूटी होती है, राइट, जो कि आपको दिन में दी जाएगी। सो कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होने वाली है, इस वैकेंसी के लिए रेडी रहेगा। हेल्थ का क्राइटेरिया इसमें ज़रूर रखा जाएगा, जो कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। मेडिकली आपके पास डॉक्यूमेंट होना चाहिए, साथ साथ जो प्रेफरेंस दिया जाएगा MBBS डॉक्टर या गवर्नमेंट डिस्पेंसरी या गवर्नमेंट हॉस्पिटल से जो आप सर्टिफिकेट लाएंगे उसको प्रायोरिटी दी जाएगी, राइट। सो आज की वीडियो में यहीं स्टॉप करता हूँ, अदरवाइज़ काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी। वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।